यादव पहलवान था, मिटा कुश्ती में हस्ती जो अंग्रेजों से नाम रोशन किया था हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का आतंक छाया हुआ था, 200 वर्ष तक गुलाम थे हम, किसी तरह देश से आजाद भी हुआ तो देश के सिपाह सलार, देश के राजनेताओं ने हिंदुस्तान को स्वच्छ और साफ रखने के बजाय फंसा दिया। कश्मीर का वह मुद्दा आज भी जन जन पर छाया हुआ है। धारा 370 और 35 ए कश्मीर से जो हटाया गया, हटावल गल कश्मीर से तिरंगा फहरावल गल कश्मीर में या फाटे लगल पाकिस्तान को, एक तो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, दूसरे हमारे कश्मीर पर उसकी नजर है। लेकिन अब हिंदुस्तान जाग गया है, नया हिंदुस्तान, नया भारत, क्योंकि पूरा कश्मीर अब हिंदुस्तान का होगा, ऐसा हमारे फौज के जवानों ने संकल्प ले लिया है। लेकिन वो समय अंग्रेजन के जमाने में कई ठे जवानन का नाम हमन जानल जला, 100 200 500 यह न 200 बरस तक गुलामी रहल, का 400 500 लोग लड़के देश के आजाद करा दलन। कभी जी हमारे आपके पूर्वज भी तो लड़े होंगे, इतना भैया बैठल हुआ हमन के घर का, हमन का पुरनिया का, अंग्रेजन का दंश ना झेल ले, ललकी टोपी देख ले, आदमी भागे तो जगह न मिले, पोखरा तैर के निकल जाओ पार। महेंद्र के दादा रह मड़ई उलाट के भागे रोज, छेद मुक्का बनो दे जा, ललकी टोपी देखन तनी चोर टाइप करा लो बतिया ये उलाट के मड़ैया में चलन थोड़ा, यह गल यह गल छोटे बुट का मरद भूंद निकल जा, मुसाफिर बात समझो कहां से। लेकिन गोपाल यादव तो जरूरी ना हो कि खूब हम बड़ा निक निक लोगन के देखले है, कि बोरा के बोरा बादाम केसर जौन हो चिरौंजी, बोरा के बोरा खा के रोज छेर फूंक दे, लेकिन कुछ ना भइल। लेकिन खूब हाँ आराम से लिट्टी कुट्टी खाए वाला पापर दूध मिल जाएगा इनमें, और हर याज पानी मार के ऐसा लड़वैया भैया कि अगर बाया टांग फेंक के भैंसा खड़ा हो तो सोचे करे पा जाए तो लप दे उठा के पड़ेगा, ताव रह गए भैया। लेकिन कभी जी दिखा थोन तर्ज कमन हो इतना बढ़िया तर्ज हो, एहू के बदल दा उरहल का कि हर तरफ के हर तरफ अंधेरा गंधा जी, हर तरफ एक उधर देखो अंधेरा सा छाने लगा, रुख पे चुल्फो की दीवार मत कीजिए, कि हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, रुख पे जुल्फ की दीवार मत कीजिए, रुख पे जुल्फ की दीवार मत कीजिए, के दिल पे काबू
दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम। अरे यहाँ जमीन ने सही निकाल लेकिन गोपाल पहलवान का परिचय दहल गई कि सारे झुकाती अरे सारे झुकाती है कुदरत पीती। अरे सारे झुकाती है कुदरत पी उसी पीर को जो की अल्पन है वतन का वफादार है। कहानी का शुरुआत हो गई। अरे माता पिता रहित गोपाल नौजवान हुआ, माता पिता रहित गोपाल नौजवान हुआ, रियाज पारिया खाड़े पर पहलवान हुआ। माई बाबू मर गए ना बचपन में, दूठे गैया दूठे भैंस दरवाजे पर एक थे छोट बहिन रहल गोपाल पहलवान लाला लिखा गाँव में गढ़ू गंभीर होला। लगल रियाज मारे लगल खाए लगल बल बढ़े लेकिन काउर घर में के रहल। तेरा बरस की गौरी बहन बिचारी थी, तेरा बरस की गौरी बहन बिचारी थी, वही गोपाल का सहारा बनी प्यारी थी। साधना कर गोपाल बल विपुल बनाया है, साधना कर गोपाल बल विपुल बनाया है, इधर इंग्लैंड से डिफॉल्ट पठाया है। किया डिफॉल्ट तब भारत में है ऐलान सही, किया डिफॉल्ट तब भारत में है ऐलान सही, मिला ले हाथ कोई कुश्ती में पहलवान सही। अच्छा अब तक प्रचलन खत्म हो गया। पहलवा गांव गांव में अखाड़ा चले, दूसरे के बाद छोड़ा। हम अपन बात बताई संतोष पहलवान, गांव गांव में अखाड़ा चला। हम 11 बजे भी आई गण समारा, हमार उम्र 18-20 का रहल रजनीगंधा जी। तो जो समय 18-20 का उम्र रहा हमारे 11 हो बजे गा के कहीं से आई तो अखाड़ा पर जरूर जाई। आयो धोती कुर्ता पहले अखाड़ा में सुती, वही जो दूध दूध आवे सौख रहा धूर माटी का, अब सौख हो गए पाउडर का स्प्रे। अंग प्रत्यंग पर मार देंगे कहीं से दुर्गंध ना आए, कुल महक धोप दिले बा वह फेंका था धाप धाप। लेकिन अमन माटी का प्रेमी रहली। वही समय थे अंग्रेज का पहलवान आयल हो अतवार के रोज दंगल होख है। आए अंग्रेजवा बोला के गलत किए दंगल बंद करवा दो, दंगल के बहाने ये हिंदुस्तानी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। डिफॉल्ट नाम का पहलवान आया और चैलेंज कैलस दंगल में के चलल के सुन चुनौती को गोपाल चल ही गल्ला हाथ पकड़ा अखाड़ा पट्टी पर टिका, हाथ पकड़ा अखाड़े पट्टी पर टिका। अरे तोड़ा दूंगा तोड़ा दूंगा सही तेरे अभिमान, अरे तोड़ा दूंगा सही तेरे अभिमान को, देख ले पट्टा भारत का तैयार है।
अखाड़े बजा के घूमे लंग अंग्रेज के पहलवान। उ जौन बोले एक जाने हिंदी में ट्रांसलेट करत रहलन। चैलेंज कैलस कि कोई उम्र का फर्क नहीं, वजन का अंतर नहीं, बूढ़ा बच्चा नौजवान सबको चैलेंज, कोई लड़ सकता है। सब सबका मुंह ताकल गल के भाई आई बुलडोजर, एक कुंटल 20 किलो का के लड़ी, ईश्वरवा दे पकी जाई अमन मोर जा के लड़ी। गोपाल पहलवान उठा, 22-24 साल की उम्र है लेकिन खूब हो, 80-82 का वजन है कि जब हाथ मिलाना चाहा तो दंगल में ताली बज गई। जब ताली बज गई तो कवि जी भाव कौन हाथ मिलल हो, तर्ज कौन लगल हो, अरे खून से दम जल दीवानी, अरे पानी पहोती अनोहू की होली, कैसे छुपेगा ठंडा हमारा, चाहे चले भी सीने में गोली, हाथ मिला ललस। आ जब हाथ मिलौलस तो अंग्रेजवा पहलवनवा अपने संगीन से कहलस कि करे तो बड़ा कढ़ेर लगत हो, अंग्रेज के लंग घबरा मत, दिखा तो गलरी का कर थो। गए अंग्रेजवा जहां गोपाल रहा उसे धमकाते लोभ दिखाते हैं, अगर पटकाओगे 500 पाओगे, अगर न मानोगे तो जान से मारे जाओगे। पांच सौ मिलेगा, अगर पटका जाओगे तो 500 रुपया का बड़ी कीमत जहां ढेला अधेला आना चलत रहा, 500 मिलेगा, जिंदगी समर जाएगी। अगर पटकाओगे 500 पाओगे, अगर ना मानोगे तो जान से मारे जाओगे। जितना खुश रहना उतना मध्यम टिकूर गई, हाथ मिला ले लो डहरी में कुल पूछना का हो, मिला तो लहला अंदर का बात क्यों जानत ना है। लेकिन गमगीन गोपाल घर, अरे बोला बहन से सकल भेद खोली, कैसे छुपे फसल जाय तनी गौर के लिए। रचना में लेखनी में भी अंतर हो गल, हमारे कवि जी याद नहीं जोखन कवि जी मंच पर विराजमान हुन, इनके जमाने में जोखन कवि जी के जमाने में भी वो कवि कई लिखल गीत है जो उनके आप लोगों का संज्ञाना रहा, श्रेष्ठ और सीनियर भी आप लोगों से शायद रहा चंद्रिका कवि जी। हाथ मिलाई लहलन, अगले एतवार के डेट पड़ गल, अगले एतवार की कुश्ती हुई, लेकिन अंग्रेजवा ले जा के कोपचे में, कोपचे मतलब अकेले में, कहना अगर पटकाओगे 500 पाओगे, अगर ना मानोगे तो जान से मारे जाओगे। मुंह लटकौले अइलन घरे, बहन गौरी आइल घर में से खाना पानी लेके, भैया काहे उदासल हुआ, पटकला आज कुश्ती नहीं लड़ला का, कहना ही दू जोड़ पटकली है, कतब का करवा पूरा दंगल में पटक बा, काहे उदासल हुआ, कब बताई सोचत है कि पटकैले का अंग्रेजवा 500 देत हूँ बहनी, सोचत है कि पटकाए जाए वही 500 लिया के द्वार पिया कह दे,
बहन बेटी के हमारे गुरु जी का हमारे स्वर्गीय रामदेव उस्ताद कि बेटी बहन रह जाए कुंवारी तो घोर नरक हो जाता है। सबसे बढ़िया दुनिया में अगर कोनो दान हो तो बेटी का दान कन्या दान है। पर ब्याह कह दे बहन जब गौरी सुनलस 13 बरस का दिखाई खून का सर बहनिया भैया का गोड़ पकड़ के रोवे लगल कि हमार उम्र 13 साल हम तोहके खियावले के अलावा दिन भर दूध खौलावल बादाम घोटल पीसल तोहरिया चक्कर में रात दिन पड़ल है कि देश का नाम रोशन कर दा तोहके हमारे ब्याह की चिंता हो गई। अब पटकाए कहत हुआ फक के रोवा लगल गौरी गोपाल पहलवान घबरा गेलन कि बहनिया रोवत काहे है लेकिन एक बात कहलस जवन पत्थर के भी छाती में छेद हो जाई का कहल कहा कि तोहर के राखी का कसम बरस का बहिन गोपाल से कहते कि तोहके राखी का कसम ये भैया पिठिया दंगल के देखैया दिल हमार ये भैया सन 1942 में तरवा थाना में आग लगावल गई रहल अंग्रेजन के जमाना रहल क्रांतिकारी बाबू तेज बहादुर सिंह का नाम आपके लब पे होगा आयरा कर है वाला रहल पिठिया दंगल में देखई है जिन हमारे भैया बहनिया कहता तुझको मां की कसम कसम बहनिया छोटकी कहते गोपाल के तुझको मां की कसम रंगनाई मान को अरे तुझको मां की कसम रखनाई मान को अरे करवे तुझ पर सदा पत्थर के पसीना आ जाई बहनिया कहलस की लड़ी शेरवा के आगे का सिया है भैया ए महाराज कहो तू शेर न होगा अरे चुप रहा महाराज आओ थोड़ा कहो थोड़ा हमसे कि पटका जाई 500 पा जाई तो और ब्याह कद हटा जब सुनलस तो जनता हुआ लड़वैयन पर केकर सवारी होले पहलवान हनुमान जी का हनुमान जी का एक खासियत आप लोग जाना ला उन्हें खियाल धरावे के ऊपर समुंदर पार जाए कर हल सब के ऊपर बैठा लो सोचा था के जाई चार छठे बानर पहुंचे कहना रे महाराज तू तो एक फाल में डांग दीबा कहा यार सचो कहा
कहा कोशिश करा, कोशिश ना कोशिश, कहा कोशिश करा हो, कोशिश करा। अरे बढ़ौना फाल एकदम उड़त चल गए लंका में, उठल तो हनुमान जी में तीन लड़वैया हूँ बहनिया, जब ख्याल हर 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 उठ खड़ा बलका बहनी, बस ऐसा पटकब वो अंग्रेज पहलवान जी की बिना मुआउले हम लौटब ना। अब चलल तो हाथ में लाठी या लाठी के हुरा में ने लौटा जंगिया, लड़वैया दूसरा लड़वैया रही तो अपन लौटा दिन चुरा के रखी। इस पहला गांव के लहरा चला मेरे पर लाठी, अरे महाराज जाले माना है तो वही लगोटा जंगिया लेकर वही लाठी में रख के सब चलन तो कैसे चलन मास्टर, चाहे चला दे गोली सीने ऊपर पाजी जगबात जागल हमार बहनी, ऐसे कहत हो दंगल में आके खड़ा भल लंगोटा जंगिया कस के देह दुबे तोरलस पहलवान भैया बजा तोर के अपन तान उन तोर लहलस कमर भी थोड़ा हिला ही। अरे ना अरे भाई ई तो दूसरा काल भरौ मंग भज के चल जाए पदरंग, फिर को पान भरौ मंग भज के चल जाए पदरंग, जवान मारा काला जंग पर पिसार के सरी, अरे चरखी घुमा फोड़ पान लेकर उठे भगवान, जीता हुआ पहलवान हो बिहार के। कवि जी सुतल सुनत रहा है, कवि जी के लिखल पकड़ के गर्दन पर हाथ नचा के जौना मरलस काला जंग, एक कुंटल 20 किलो का डिफोट पहलवान जब अखाड़ा पे गिरल, अखाड़ा के मेड़ में सक गई, आ गिरल तो आवाज कैसे कैलस, कैसे गल का कैलस महेंद्र रेफरी जितना रहल कुल हिल गई ना, ई का भेल भैया ये रिहारी इतना कस के पटक ले। अच्छा मैं मुख्य अतिथि के आल के महात्मा गांधी जी लाठी लेके बैठल ना, लाठी छोड़ के दौड़ दल कल रे बारे लाल, बिरहा में तर्ज बड़ी बेजोड़ लगे बारे बुल्लू चा, साक्षात भगवती विराजमान रहे, कुछ हो बोलन तो जना कि सहदय बन के निकलत, हमानों के बनावल जला फिल्टर कहल जला उनकर कुदरती फिल्टर रह। कभी कभी किसी किसी को ऐसा नसीब है, लेकिन कैसे काम राम के गुरु बुल्लू गुरु का बिरहा हो, तो रामदेव गुरु पहले गाँव भैया, लेकिन जब बुल्लू गुरु का पारी और ठेगुना पर हाथ धेले उठे कहा रामदेव भगवान दिखा आई बुढ़ौती सीधा ना जा कहा कि आई बुढ़ौती तो चल बुली ठेगुनियो वही दिन केहू न पूछी ये पूछी अरे वही दिन केहू न पूछी जब ढल जाई जवनिया बार गुरु गांधी जी बैठल हो तो पटक के छाती पर बैठल हो अंग्रेज कुल अच्छा कैसे गोली चला दिया भीड़ ज्यादा काके गांधी जी को पाल को
अरे गांधी जी को पाल तो लगाया लिया छतिया कल बचाया ले हला बेटा बचाया ले हला बबुआ यही देश का इज्जतिया आशीर्वाद बापू बलैया कैसे ले जल गंधा जी मोबाइल से बाहर निकला के दलाया आशीर्वाद बलैया कैसे ले जल दलाया आशीर्वाद बापू बलैया गोपाल को मेरे बहुत बचाया ले हला बबुआ अरे पैसा कई जतिया मारे रुपया हर 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 लेके झरी बना के घूम देलक मारे रुपया से भर गई अंग्रेज को एकदम क्यों बिनायल हो 15 मिनट इनाम बटोर था और अंग्रेज पहलवान भाई सुतल अरे उठा भैया गेल कुल उठाओ लगल मौसा उठबा बड़ा मेहनत कैले के बाद उठला अलगू हलवाई खड़ा भैल कहना भैया का कहना रे यार ई कब सरवा कैंट घुसल कब मुगल सराय निकल गल था ना कुछ ना स्टाफ ना स्टाफ पर ना दुलही पर छोबे न कैले अरे कब की लेकिन जवान जब चलल तब 500 लोगन का भीड़ पीछे पीछे ये पंचो आ आगे आगे वे तरह घरियार मत चाकर छाती छोटा बुट का खपार पहलवान का बनावट हो अंठल रान पतील कमर चढ़ल पेड़ुरी आ जब आगे आगे चलल हो पसीना से थकबक पटक के माला पड़ल हो कुछ बीमार करके कुछ बीमार करके चला है बघेला कारीगरी है कि हल्का मत लिहा सुने में आवत हो कि तो केहू कह दे कुश्ती मार कर चल है बघेला किया रण खेला रण में अकेला किया रण खेला अरे रण में अकेला अरे हिंद का कबेला कुश्ती मार करके चला है मार करके बहन के पास आया आगल धरे बहन के पास आया विजय संदेश लाया बहनी ले मार्गुसियात रली है ले भाषा लगल गौरी कहा भैया पटक दलाल कहा तराली लड़ी शेरवा के आगे का सिया भैया बहन के पास आया विजय संदेश लाया बहन बोली मुस्काई बिरन न हो जाई हंस के बहनिया कलस भैया
और एक चीज का कमी हो दिया देता कारे बहन बोली मुस्काई बिरला वो भाव जाई काहे बड़ा दुख झेला यही जग मेला रही के अकेला कुश्ती मार करके चला है बहुत अकेला कष्ट सहला एगो हमा भाव जाई दिया था हाई लीलार चढ़ गल ऊपर आए बारे तर्ज कहे कि रतिया नीदो न जावे कि रतिया नीदो न जावे से जरिया जर जर सास घरवा है यो नाना नदिया घरवा है यो नाना हाय हाय अरे सास घर है यो नाना नदिया घरवा है यो नाना सुतल भसुर के जगाई कई रतिया नींदो ना लावे सजरिया लेकिन परसा अरे परसा पीराई बदरिया अरे परसा पीराई बदरिया पीरा नवा छंटकता पीराई बदरिया अरे कर बहिन के शादी पहलवान नवा छंटकता अरे कर बहिन अरे बाप रे बाप हाई हमार बहिन हमार भी आके चिंता कर तुरंत गांव के चौधरी के यहां गए जाके रो लगल कहे चौधरी काका हमारे गौरी को ब्याह कहीं तक कहा तो रोवत कहे के चल वही लगले गईलन है ब्याह के दिन रखवा दे गौरी के द्वारे पर हर हरिश गड़ा गल मड़वा गड़ा गल बड़ा मंगल है लेकिन मंगल में अमंगल कैसे होला ब्याह के दिन आगल आज बरात आवत हो सवेरे नाश्ता पानी कह के रियाज वाज से जब खाली भइलन है तो चल रहे ना बाजारे खाली आओ बजे शादी के दिन एकदम ध्यान रहे कटे ना जैसे फिल्म चले ले वैसे बिरहा चली शादी के दिन बहन को गहना लेने चला गोपाल अरे रास्ते में भी फोन करता थी मिल के किया पवाल बंगल में सौदे बाजी ना हो पकड़े पहलवान को पाजी टिकड़े साजी 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 सर्राफा के दुकान पर चढ़ल हो सोनार के दुकान पर कुछ आभूषण अपने बहिनी बदल लेल सो आ लेके जब उतर लगल तो पांच ठे सिपाही नीचे खड़ा रहल बड़ा अफसोस छाती पर भाला और कनपटी पर बंदूक लगा के गिरफ्तार कर लेलन आ जब लेके जाए लगलन तो गोपाल बोला मुझे छोड़ो भाई पड़ी आज शादी है मेरे बहन की अलंकार देकर विदाई करूंगा तमन्ना यही है बस प्यारे बिरन की मगर नहीं माने अंग्रेज अकड़कर बहादुर को कलकत्ता लाए पकड़कर नजर बंद करके लगाते हैं कोड़े पटक छोप फोड़ करके घुमाने न छोड़े नजर बंद कर जहलन कोड़ा पर कोड़ा कोड़ा पर कोड़ा लाठी पर लाठी रियाजी शरीर कह कह लाठी टूट गई लेकिन जवान हिलल नहीं जुमुस नहीं खेल तो इसे खड़ा
आया अंग्रेजों का लीडर, कहा फिर हम कराएंगे दंगल करारा, घर जाना चाहते हो कहे हो। एक दिन बदे छोड़ दा बहिनी के विदा कैले, एक बाद हम आ जाए भी हम मर्द का जवान है, का जाना चाहते हो छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है, कहे शर्त बतावा भैया। आई तो गोली मार लिया, कह नहीं गोली नहीं मारेंगे, फिर हम कराएंगे दंगल करारा, वही फील्ड वही काठियावाड़ और वही ऑडियंस वही मुख्य अतिथि और वही पहलवान, फिर हम कराएंगे दंगल करारा, तुम खा जाना कुश्ती है कहना हमारा। दोबारा उसी डिफोर्ट से उसी मैदान में तुम्हारी कुश्ती होगी, अगर तुम कुश्ती में पटका जाओगे तो एग्रीमेंट के पेपर पर दस्तखत करो और चाहो तुम्हें छोड़ रहे हैं। ए भैया एक तो पहलवान बुरा मत मनिहा क्यों जाना, दूसरे अहिर तुम्हारे बिरादरी बहुत सोच होली, हालांकि आदमी तो कहना बहुत टेढ़ होली, लेकिन होले बहुत सोच, ईमानदार तो बहुत है, धोखा खाए जाले रहनी धोखा दे, जैसे हम तो हम कब धोखा ना दे ले, तो हम कह कह बिरदे भाई हो धोखा। फ्लैशबैक में जाइए, सोचिए सोचो सोचो सोचा दे ले ना दे ले धोखा मरका गाय में कीमत तक का पहलवान की बुर्बक नहीं यकीन के नाम ये जो धरती देखा धोखा वो पहलवान के देखा। अब खुद मान जाए के चाहिए कि ठीक है भैया पटका जाई, अब जाता हूँ छूट के घरे तो जो होत आगे पीछे हो, तो अब का करत हूँ इजलवा में मास्टर, तो हुआ से लेके दे दिया वा कैसे कोमल लगाएगा अरट टपट के बोला, अरट टपट के बोला गोपाल तब संभालवा चली भारत का इंसान हो, कहे कि आन के ऊपर जान दे दे फिर से पटकर। अंग्रेज कल अंग्रेज तरवा रसरी जर गए ठंडा ही गल, फिर मरलन पचासन लाठी पचासन कोड़ा ओ हवालात में बंद कर दलन, लेकिन कभी का कहना है सब कुछ करावा होना है चौधरी के पता रहा
कलम बेटी डोली में बैठा जाए गांव भर तुहार भाइये बाप लो गा झूठे झुटकावत भूलवावत कि गांधी जी लिया के कहीं कुश्ती लड़ावे लेके चल गई हम बहुत जरूरी रह अच्छा अच्छा ऐसा हाँ भैया यहाँ तो हमारे के भेज दिया आय हाय 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 डोली बैठ के गौरी ससुराल आ गई लेकिन यहाँ बाल बंदा सोचे जे लिया बे बहनी के शादी करना मिलल हाल अच्छा बहनी के यहाँ बहुत सतावे दीरा नाके यहाँ धीरे धीरे बीत गयल देखा तीन सा कलकत्ता बैरिकपुर के जेल में गोपाल पहलवान को अंग्रेज 3 साल तक कैद किए हुए हैं अनाज दे जाए सीना से ठेल के चलाओ वाली चक्की जितना दिन भर में गोपाल पहलवान पिसान पीसे आटा पीसे अपने जान के बदौलत उतने कई दिन के खाना बने चाहे पेट भरे चाहे तनी मनी दुगले ही कुल कैलन देश हमार हमारे देश में अपने लोगन के ऐसा बंधुआ बना बना के धर नरक से भी बदतर जिंदगी कह दे हलन 3 साल जब बीतल तो जान गल कि अब मर जा भेंट न हुई आखिरी क्लाइमेक्स भी रहा का तनी गौर के लिए तो एक दिन अंग्रेज आयल मिले बदे कैसे हो गोपाल है कड़ी निकली कि नहीं निकली चक्की चलावल छोड़ दलस काय की फिर कथिया बाद में होई हो अगर पैंडल जैबे भटका देबा जेल से निका करवाइए दंडल 3 साल में अब जनात ना है कि पहलवान हूं शरीर एकदम नमक मतिन गल गई लिया कला दंगल करवा दो अब तो ऐसे भी हम पटका जाएंगे मेरे अंदर है क्या काम तुम्हारा जुनून और तुम्हारे उभरते हुए इस जज्बे को डाउन करना चाहते हैं कब पटका जाए भैया यार छुट्टी के गोपाल बहिनी के घरवा रूप था भिखारी बनल दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल मैल कुचैल कपड़ा भिखमंगा मतिनाय के गौरी के ससुराल पूछत पूछत 3 साल 1 महीना 17 दिन ओइ दुआरी पर खड़ा भइल आवाज लगौलन दरवाजे के बाहर से गौरी ए गौरी इत्ते छोटी सी बच्ची भी गौरी की अब तो गोद में रहा बच्ची के गोद में ले क्या गौरी घूंघट करता दौड़ल अरे बाप रे बाप तेरे तो हमार भैया हमके बुलावा बहरे आए के जब हर और ताके लगल तो केहू लौकते ना हा एठे भिखमंगा खड़ा है भाइया है लेकिन पुरुष बलि नहीं होता है समय हो बलवान चिन्हात ना बहिनी के निकलत घरे से बाहर जब चेहरा गोरी गोपाल दिखलन ते आंख का आंसू तर 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 कुल दाढ़ी भेज गए गौरी कहले ए बाबा बैठा भुखायल हुआ तो मुड़ी हिलूंगा गोपाल पहलवान बोलत ना आवा बाबा बैठा तो हम कुछ खाना आपके लिए आई खा ला बोलत ना हुआ आके बैठ गई लन सारा रहल बहरे भर के थरिया में दूध रोटी और थोड़ा गुड़ लिया के आगे धर दलत कहे बाबा यह तो खा ला ये बाबा रोवत काहे हुआ अब आओ गोपाल पहलवान रोवत जय बार पूछो थे वो तबर कलेजे में भाला लगत हो काहे बाबा काहे रोवत हुआ तोर कोई आपन बिछड़ गल का का हमार जब बिछड़ल हमारे सामने वो हम चिन्हत ना हो पगली करे गौरी हम चिन्हात ना है
चौनी आए गए कहे भैया भैया तुम इतवार दशा करण जियत भर है कैसे आएगा लगा के सीने से भाई बहन पहले देखा रुवाई का मतलब है कि जब रोए लगा लाया आदमी तो जो हिया दिल में दुख है वो आंसू के रास्ते वो दुख सब झरझर झरझर गिर जाला ओकर दुख थोड़ा हल्का हो जाला और रोवे लाना तो वह आदमी पागलो हो जाला रो दे तो ठीक है और न रोलस तो पागल खूब भाई बहन रोवल रोए के जब पठैलन तब गौरी पूछल भैया इला कैसे छुटला कैसे पहले खाकाला बहनी भूख लगले पहले खा गए थे खा भैलन पानी पी भैलन बैठलन छोटी सी बच्ची की गोद में ले लेलन करे कहा करे हमार छोटकी गौरी है कहा कह हाँ भैया छुटला कैसे का वो एग्रीमेंट का पेपर ले लन अंग्रेजवा कहलन कठियावाड़ में फिर दंगल होई पटका जइवा तो छोड़म न छोड़म गौरी उठ के खड़ी हो गई कहे कहला का कह दस्तखत करके आल है पटका जा 21 दिन बाद हो कुश्ती झपट के लड़की कोरा में से छोड़ लल कह खड़ा हो जा उठा हमार तोहार कोई रिश्ता ना है जल्दी यहां से भाग जा हम तोहरे बदे मर गई कब इन्हीं का कहल हम वो ना है कि तोरे बनले से जज्बा आ जाई आ जा के पटक के खाली कर हम कोई सहू जब हम मुआ दी हम सब पकड़ के हमारे शरीर में का बचल का कितना दिन का टाइम है कहे 21 दिन कहे 21 दिन हो ना आवा धीरे 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 कुछ रियाज पानी कर लो खर्चा खोराक देवल शरीर 21 दिन में इतना भयल कि थोड़ा सा फूर्ती शरीर में आ गए और 21 दिन में कितना काम लेकिन, लेकिन कभी का भाव है भाई बहन के मिलन पर अरे मिलन भाई बहन पूजा ला दिल कला गया क्या खिला ला प्रेम का सुमराया कैलस का अब दंगल आ गए कई समा दिन पूरा जवार जुट गल कि गोपाल पहलवान कई एक बार फिर कुश्ती हो जाते यही शर्त पर छोड़ल हो उनके पट कही है कुछ लोग कहलन कि बहुत कातिल हो लेकिन गोपाल पहलवान के जब हालत देखलन गोपाल पहलवान के लोग हालत देखलन कहलन ई का लड़ी है मर्दवा तो लगा के छाती बहना को तब दंगल भी चलाया हिम्मते मर्द और मदते खुदा रजनीगंधा जी किसी शायर ने लिखा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा का अगर आपके सीने में हिम्मत है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है और आपके सीने में हिम्मत नहीं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं करता। ये फिलॉसफी बोलने वालों ने कहा है कि खुद को कर बुलंद खुद को कर बुलंदी इतना कि खुदा भी पूछे बंदे से कि बोल तेरी रजा क्या है पहुंचल दंगल में दौड़ के जब पैंथरा लहल सा ललकारे के तो ललकार दाते तो अंगुरी धर के कितना नहीं कलका फटका लेकिन देखा भगवान का खेला लगा के छाती बहना को तब दंगल भी चलाना अरे पटक पछाड़ा फिर से तीगु जली मांगा गलवारे हसली बाबा की
मार के गर्दन पर हाथ, पहला बार मरलस जौना मुल्तानी की आय के गिरल चालो खाना। अंग्रेज कहलन ना भाई बिछिला गल ना भाई, फिर खड़ा भयल आइए फिर मार के गर्दन पर हाथ, उल्टी मरलस धाय दे गिरल। अंग्रेज कहलन क्या लड़ रहे हो, साफ पटको साफ, अभी नहीं साफ हुआ है भाई, लेकिन साफ ना भाई। फिर अंग फिर खड़ा भल, हाथ मिलो मार के गर्दन पर हाथ, चौना धोबिया पाठ उठा के मरल कि गिरल बस टेढ़ हो गया। अंग्रेज कहला ना भइल, कह के रे भोसड़ो वाले लोग कब्बे हो गए, मुइबा तब होई कब्बे हो गए ना भइल ना भइल कइले हुए अलमन हमार जान ले लेला, ई सरवा पटकत ऐसा ना के जैसे जना था कि पाठ पर कपड़ा पीटे हो गए। हाथ उठ के खड़ा भल अंग्रेजवा, हाथ बोला कहे भैया कब्बे हो गए भा तू जा, ई लोग तोहके आ हमके एक जने गिरो मुआवल देखल चाहत हूं, तो वो कब हो गए तू निकल जा। कृपहारी गुरु इस पावन है मेरी धरती, स्वर्ग चंद्र का कवि चंद्रमा के अपनी कीर्ति, मंगल में सऊद बाजी ना होई, रामदेव बिजा लाल हो देश भक्त भौला दी, मंगल में सऊद